हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो एनवीडिया है उन लोग ने अपने ग्राफिक कार्ड जो है उसमें ह्यूज प्राइस ड्रॉप किया है। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने एनवीडिया का वेबसाइट है वो ओपन कर लिया है। आपको अगर पता होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, एएमडी ने जो अपने नए रेडियन ग्राफिक कार्ड जो लॉन्च किए थे उसके बारे में मैंने बताया था, और उसके अंदर मैंने जो प्राइसिंग और परफॉर्मेंस बताया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस या फिर एग्रेसिव प्राइस जो है वो एएमडी ने रखा था। और तभी जब मैं वो वीडियो बना रहा था तभी मैंने मेरे वीडियो में दिखाया भी था ये जो एनवीडिया का वेबसाइट है उसके अंदर जो भी उन लोग के 30 सीरीज़ के जो कार्ड्स है वो डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे थे रेडियन ग्राफिक कार्ड से, काफ़ी अच्छे मार्जिन से वो कॉम्पीट कर रहे थे। परफॉर्मेंस और प्राइस देखोगे तो काफ़ी एग्रेसिव था, पर अभी जो है वो एनवीडिया ने प्राइस है ड्रॉप कर दिया। अभी इसका रीज़न क्या हो सकता है ये तो हमें भी नहीं पता है, एनवीडिया जब बताएगा तब पता चलेगा कि प्राइस ड्रॉप का रीज़न क्या है। पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो मेरे को ऐसे लगता है कि जो एएमडी ने ग्राफिक कार्ड लॉन्च किए थे उसकी वजह से ये प्राइस ड्रॉप हुआ है। पर ये डेफिनेटली मैं बता नहीं सकता, 100% ये श्योर नहीं बोल सकता मैं कि जो एएमडी के कार्ड्स लॉन्च हुए ग्राफिक कार्ड उसकी वजह से एनवीडिया ने प्राइस ड्रॉप किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से प्राइस ड्रॉप कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं। और मेरा जो वो वीडियो है ग्राफिक कार्ड जो एएमडी का लॉन्च हुआ था उसको अगर देखोगे तो उसके अंदर मैंने जो है वो ये प्राइस बताए थे। तो इसके अगेंस्ट मैं अभी बताता हूँ करंट प्राइस क्या है। अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस जो है वो एनवीडिया का 3070 का 44500 है, और प्रीवियस जो प्राइस था जो फाउंडर एडिशन था उसका प्राइस 71000 था, और जो नॉर्मल प्राइस था वो 51000 का था। पर अगर करंट प्राइस देखोगे तो 3070 का 44500 है, और इसको अगर आप कंपेयर करोगे RX 6800 से, मतलब AMD के प्रोसेसर के साथ में, तो उसका प्राइस है 43000। तो अभी भी जो है वो AMD के कार्ड्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी उसके अंदर मिलने वाला है। अगर आपको परफॉर्मेंस जानना है कैसे क्या मिलने वाला है कौन से प्रोसेसर में, तो आप वो वाला वीडियो मेरा चेकआउट कर लेना। मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने की कोशिश करूँगा ताकि आप वो भी वीडियो देख सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस और प्राइस कितना है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस पता चल जाएगा, उधर आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। ये हो गया 3070 का। अभी 3080 के बारे में बात करेंगे एनवीडिया का। अगर फाउंडर और नॉर्मल प्राइस भी देखोगे तो उसका 71000 का था, और करंट प्राइस अगर देखोगे तो 62000 का हो गया, और ये डायरेक्टली कॉम्पीट करता है एएमडी के रेडियन 6800 XT से, और इसका प्राइस जो हो सकता है अप्रॉक्स वो 48000 का होता है। आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एएमडी के ग्राफिक कार्ड जो है उसके इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो अवेलेबल है, जो इंडियन प्राइस है वो अभी तक रिवील नहीं किया है। हालांकि एनवीडिया ने इंडियन प्राइस अपने वेबसाइट पर दिए है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद चेकआउट कर सकते हो। और मेरे पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हो कि जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे उनके वेबसाइट पर। अगर आप अभी वेबसाइट उनकी विजिट करते हो एनवीडिया के तो काफ़ी कम प्राइसेस आपको दिखने वाले। तो देखो इसमें भी कितना सारा मार्जिन डिफरेंस है, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं बिल्कुल भी बताने नहीं वाला हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। 71000 पहले मिलता था, अभी 62000 का मिल रहा है, जो डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है AMD से 6800 XT से, और उसका प्राइस 48000 का है। मैं ये AMD के कार्ड्स के साथ क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है प्राइस ड्रॉप का, पर ये कन्फर्म नहीं है। तो इसके अंदर हम एडिशनली कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहते। अभी जानते हैं सबसे फ्लैगशिप जो ग्राफिक कार्ड है AMD और एनवीडिया का। जैसे AMD का जो ग्राफिक कार्ड 6900 XT है उसका प्राइस 74000 है, और जो 3090 है उसका ओल्ड प्राइस जो था फाउंडर्स और नॉर्मल एडिशन उसमें 1,52,000 का था, जो कि अभी करंटली 1,33,500 हो गया है। इसमें भी काफ़ी मार्जिन से प्राइस ड्रॉप हुआ है। अभी जो भी रीज़न है वो एनवीडिया को ही पता होगा, मैं फ़िलहाल इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पर आपके लिए, आप अगर गेमर हो और सोच रहे थे कि 3070 लेने के लिए बजट सेगमेंट में, मतलब जो इनका 30 सीरीज में जो चीपेस्ट अभी अवेलेबल है वो 3070 है, और अगर आप सोच रहे थे उसको लेने के लिए और आपको स्टॉक नहीं होने की वजह से आप नहीं ले पाए, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। जैसे स्टॉक आ जाएगा आप इसको सस्ते में बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस ड्रॉप की वजह से आपका जो डिफरेंस है 5,000 से 7,000 का, उसमें आप और एक नई चीज़ें कुछ बाय कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे जो लिंक्स है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के दिए हुए हैं, तो अगर कुछ भी आपको परचेस करना है तो डेफिनेटली वहाँ से क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो, चैनल को हेल्प होता है ग्रो करने के लिए। ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी वीडियो में डिस्कस किया है
सारों के लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए, ताकि जब भी आपको कुछ भी बाय करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके बाय कर सकते हैं। और कोशिश करना मेरे लिंक से बाय करने के लिए, चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के लिए। और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग जो टेक न्यूज़ है या टेक रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, और अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। ऑल्सो और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं ये प्राइस ड्रॉप रिलेटेड जो कि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड्स का हुआ है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन रहेगा, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ऑल्सो 1K फैमिली हमारी जल्दी कंप्लीट होने वाली है, 800 प्लस हम लोग ने क्रॉस कर ली है। होपफुली ये मंथ के एंड में, नवंबर मंथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मंथ में हम लोग 1K क्रॉस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।